हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने विकास मवादी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है अक्टूबर चल रहा है और दिवाली भी अक्टूबर में नहीं है इस बार, लेकिन इस बार है नवंबर में। लेकिन इस बार जो है रामलीला स्टार्ट हो चुकी है और मैं रामलीला ग्राउंड में पहुंच चुका हूं। स्टार्ट होगी कल से, लेकिन आज है रामलीला ग्राउंड में बाबा खाटू श्याम जी का जागरण, तो वही देखने के लिए आए हैं। और आपको एक अपडेट देना आए थे कि आज से, यानी कि कल से, मतलब आज के बाद कल से रामलीला शुरू होने वाली है रामलीला ग्राउंड में। तो आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ और दर्शन कराता हूँ आपको खाटू श्याम बाबा के। दोस्तों फाइनली हम लोग लाइन में लग चुके हैं दर्शन की, और कुछ इस साइड में हम लोग, आप देख सकते हो स्टेज के बिल्कुल जस्ट बराबर से बाबा जी के दर्शन होंगे। और भीड़ आप देख ही सकते हो, खतरनाक है। जो इसके दरबार में आने वाला भी रोता है, ये वो दरबार है जो आज तक खाटू नहीं गया, वो भी रोता है। एक बार हाथ ऊपर वो करना जो खाटू से हम गए हैं। आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इसमें, भाई हमें बहुत ज़्यादा आनंद आया क्योंकि
लिटरली लास्ट में ना, मतलब उनका जो गाने का अंदाज था, नए स्टार्टिंग में नए नए सिंगर आए थे, वो जो पहले दो सिंगर गा रहे थे ना, तो बहुत उनकी बैटरी डाउन हो चुकी थी, लेकिन जो बाद में आए थे ना, लिटरली काफ़ी मजा आया उनका सिंगिंग सुन के और उनके भजन सुन के। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल से रामलीला शुरू हो रही है, तो कल भी हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें कि आपको पूरी रामलीला दिखाई जाएगी और क्या क्या झूले लगे हैं, कितना अच्छे से डेकोरेट करा गया है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कल। आज तो सिर्फ हम दर्शन करने गए थे और बाबा के दर्शन काफ़ी अच्छे हुए है ना, और काफ़ी समय लग गया, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमें लाइन में लगना पड़ा। काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी और व्यवस्था के थ्रू इतना समय लगा, अगर अव्यवस्था होती तो भाई 3-4 घंटे का काम कर सकते। ऐसे काफ़ी अच्छा लगा लिटरली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, प्यार बनाए रखें। और रामलीला में जो है आए हुए हैं भाई शर्मा जी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।